आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा के चौथे चरण में गाजीपुर से लखनऊ की यात्रा पर थे, जो आजमगढ़ जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर गुजरना था। वहीं समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता कई दिनों से स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए थे। वहीं पत्रकारों से बातचीत में परवेज अहमद, पूर्व कार्य समिति सदस्य, सपा सदर विधानसभा के निवासी हैं, कहा कि हम अपने लोकप्रिय, जनप्रिय, मकबूल नेता अखिलेश यादव के स्वागत के लिए अपने समर्थकों के साथ खड़े हैं और जब तक वो नहीं आते हम तब तक यहां से हिलने वाले नहीं हैं। और जो भी उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की देन है और हम आने वाली आगामी 2022 में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। मैं परवेज अहमद, पूर्व प्रदेश कार्य सदस्य, मैं सदर विधानसभा आजमगढ़ का रहने वाला हूं। जी, आज अपने हजारों समर्थकों के साथ आज हाईवे पर खड़े हैं, क्या है? अपने लोकप्रिय, जनप्रिय, मकबूल नेता, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का हम इंतजार कर रहे हैं, जो गाजीपुर से चल कर के लखनऊ जाने वाले हैं। हाईवे पे हम लोग अपने तमाम समर्थकों के साथ यहाँ मौजूद हैं और वो जब तक नहीं आएंगे हम लोग तब तक यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। बगैर उनसे मिले, उनका स्वागत किए, हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे, क्योंकि जो भी विकास उत्तर प्रदेश का किया है वो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। दूसरी जो भी सरकार आई किसी ने कुछ नहीं किया, न नौकरी दिया, न रोजगार दिया, न किसानों को कोई सुखी हुई और तमाम लोग परेशान हैं। आज हम सब लोगों की मांग है कि अखिलेश यादव फिर से 2022 में मुख्यमंत्री बने ताकि उत्तर प्रदेश का विकास हो। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।